गुड मॉर्निंग, वेलकम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 70 इवेल्यूट 0 टू ए रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन का भी करने का मेथड क्या है स्टूडेंट कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उस फंक्शन को क्या है स्टूडेंट आई सपोज कर लो स्टूडेंट लेट आई इज इक्वल टू 0 टू ए रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स और इसको क्या लिख दो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज होगी स्टूडेंट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स स्टूडेंट। इट मीन्स एक्स की जगह ए माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए की जगह ए ही है तो ए माइनस एक्स ही आएगा स्टूडेंट। ये आएगा आई इक्वल टू 0 टू ए रूट एक्स की जगह हमने क्या कर दिया ए माइनस एक्स प्लस इस एक्स की जगह भी हम ए माइनस एक्स रखेंगे स्टूडेंट माइनस डी एक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू 0 टू ए रूट ए माइनस एक्स रूट ए माइनस एक्स प्लस इस माइनस से ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये माइनस का ए प्लस का एक्स माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ स्टूडेंट रूट एक्स बचेगा स्टूडेंट और पहले वाले में क्या बचेगा स्टूडेंट रूट एक्स स्टूडेंट। साथ में स्टूडेंट डी एस लिखना ना भूलें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 टू ए रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस के रूट एक्स, ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट सेकेंड हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट है स्टूडेंट और इक्वेशन सेकेंड इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट में ऐड कर रहे स्टूडेंट आई प्लस आई, राइट हैंड पार्ट में स्टूडेंट ये प्लस ये स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पे पुट अप कर दिया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे डी एक्स लिखना ना भूलें स्टूडेंट, आप लोग डी एक्स और इधर भी क्या स्टूडेंट डी एक्स स्टूडेंट, लिमिट तो दोनों की सेम है स्टूडेंट, तो क्या जाएगा स्टूडेंट 0 टू ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट तो रूट एक्स प्लस के रूट ए माइनस एक्स होगा स्टूडेंट, ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा स्टूडेंट, क्या बचेगा स्टूडेंट 1 स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आई और आई ऐड करके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2 आई स्टूडेंट, तो 2 आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे स्टूडेंट, 2 आई इज इक्वल टू ए स्टूडेंट, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट ए अपॉन 2 स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट 17 का सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लाइक करना ना भूलें।